करना है वो कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने और उनके पूरे इस घटक दल ने किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। हमारा विश्वास बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी में विश्वास व्यक्त किया, और वो इसलिए विश्वास व्यक्त किया क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे न्याय के साथ, किसी हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर, हर संप्रदाय को ध्यान में रखकर, हर जाति को ध्यान में रखकर बिहार के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया है, और ये उनका एकमात्र संकल्प है। इस संकल्प के साथ उन्होंने कभी कोई विश्वासघात नहीं किया है। किन्हीं को लगता है कि दल को, कि दल के साथ विश्वासघात किया है, तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। जहाँ तक बात है कि अपने दल को, माननीय नीतीश कुमार जी एक दल के नेता भी हैं और अपने दल को बचाने की भी उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हर दल को होता है। तो जब दल पे संकट आ जाए, जब दल को समाप्त करने की साजिश चले, तो उस साजिश से बचने को अगर विश्वासघात कहते हैं तो ये परिभाषा उनकी हो सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। लहराना चाहिए, हर दिलों में तिरंगा बसता है, हर घर पे भी लहराए तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं। ये आज इसे भाजपा के एजेंडा के रूप में कर रही है तिरंगा फहराने का? ये एजेंडा के रूप में नहीं करी। देखिए, भाजपा के साथियों का इस तरीके का प्रकल्प समय समय पर युवाओं को उनके मूल मुद्दों से थोड़ा सा उनको भटकाने का प्रयास होता है, ये भावनात्मक मुद्दे को उठाकर, ताकि वो महंगाई की बात न करें, बेरोजगारी की बात न कर पाए, जो लोकतंत्र पे हमला हो उस तरफ उनका ध्यान ना जा सके, इसलिए इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन तिरंगा तो हरेक के दिल में रहता है, हरेक के घरों पे भी रहे तो इसमें कोई बुराई। जैसे भाजपा के, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में थाली और घंटी बजवा है, क्या उसी तरह तिरंगा का भी अभियान है क्या? आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप सही दिशा में आप सोच रहे हैं। इसमें हमी से आपने सवाल का जवाब भी स्वयं ही दिया है, तो ये जवाब हमसे क्यों मांग? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? प्रेस वार्ता का जो अभी हो रहा है इस अभी जगह जगह धरने प्रदर्शन विश्वासघात के नाम पर जिले में दिया जा रहा है, हर जिले में दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा यही कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का एकमात्र संकल्प है बिहार का विकास, हर जाति धर्म संप्रदाय सभी का समान रूप से न्याय के साथ विकास, और इस संकल्प के साथ उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे, और इस संकल्प के साथ उन्होंने कभी कोई विश्वासघात नहीं किया है और ना कभी करेंगे। अभी से, आज से पहले भी जो उन्होंने निर्णय लिया वो भी बिहार के विकास के हित के लिए था, आज जो निर्णय लिया है वो भी बिहार के विकास के हित के लिए है, इसमें कोई विश्वासघात का कहीं से कोई फुट नहीं। तो सीबीआई और ईडी से कितना डर हो रहा है? बिहार के लोग डरते नहीं है, आप जान लीजिए। सीबीआई और ईडी वो लोग डरेंगे ना जो गलत करके बैठे हुए होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पर एक छींटा नहीं है कहीं पर, और तो इसलिए उनको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, और वो डरते भी नहीं। ठीक, और सवाल है कि जो अभी हो रहा है इस अभी जगह जगह धरने प्रदर्शन विश्वासघात के नाम पर जिले में दिया जा रहा है, हर जिले में दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा यही कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का एकमात्र संकल्प है बिहार का विकास, हर जाति धर्म संप्रदाय सभी का समान रूप से न्याय के साथ विकास, और इस संकल्प के साथ उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे, और इस संकल्प के साथ उन्होंने कभी कोई विश्वासघात नहीं किया है और ना कभी करेंगे। अभी से, आज से पहले भी जो उन्होंने निर्णय लिया वो भी बिहार के विकास के हित के लिए था, आज जो निर्णय लिया है वो भी बिहार के विकास के हित के लिए है, इसमें कोई विश्वासघात का कहीं से कोई फुट नहीं। तो सीबीआई और ईडी से कितना डर हो रहा है? बिहार के लोग डरते नहीं है, आप जान लीजिए। सीबीआई और ईडी वो लोग डरेंगे ना जो गलत करके बैठे हुए होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पर एक छींटा नहीं है कहीं पर, और तो इसलिए उनको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, और वो डरते भी नहीं।